गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुर पूरन नारायण गुरदयाल समरथ गुरु गुर नानक पतत उदारण तू फैलस दो आलम भवद कामयाब अजोगस्त हर सरा खुर्शी देता चवर शतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पाक स्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहिब दिल्ली विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो बड़ी सहजता दे नाल ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगत नू तुरकी बाणी दे पाक बोल सरवण करवाए हन। आओ इस पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़ करके अपने समय नू जीवन नू सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेशो गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कह दरवेशो भगत फरीद जी का यह पावन श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की 1381 अंग उपर दर्ज है। फरीद जी महाराज इत्थे कुछ सानू सिख्या दिंदे ने मैडा तो भाव है मेरा वेश रहायश नू भी कह दिंदे ने घर नू अंतशकरण नू मन नू भी कह दिंदे ने वेश लिबास नू भी कह दिता जांदा है। हुण इत्थे काले कपड़े लफ्ज वरत्या गया है। भगत फरीद जी सूफी महापुरश सन। जदों सूफी की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं इट्स द एसो टैरिक पथ ऑफ इस्लाम इट्स नोन एज सूफिजम एक खुदाया तक पहुँचण दा रस्ता है। इस्लाम जगत विच प्रचलित है संप्रदाय सूफिजम आपां कह दिंदे इसनूं सूफी मत। परशियन विच अरबी दे विच तसावुफ कह दिंदे ने इसनूं। पहला ये नाम प्रचलित सी फिर सूफी मत प्रचलित होया है। ये सूफी जेड़े ने सुला कुल वाला सुभा रखते ने भी सारिया नाल प्रेम करो। कहिंदे जीव आत्मा
अते परमात्मा दा मिलना सुभाविक है। तो जदों जीव आत्मा परमात्मा विच मिल गई तो जीवन सफला है। बड़े विचारां तो उधार हुंदे ने, ये शरा विच अन्ने नहीं हुंदे, इन्ने सख्त नहीं हुंदे भी होरां सब धर्मां दे लोकां नूं काफर कहण ते अपने आप नूं धर्मी कहण। ये लोग जिहड़े ने परमात्मा की प्राप्ति का रस्ता प्रेम है, भगती है, सानू दर्शाते ने, समझाते ने। सूफी संतां दियां बड़ियां पवित्र रचनावां ने, बड़े प्रेम दे गीत ने, जिन्हां दे राही परमात्मा की ये प्राप्ति करते ने, ये प्रेम नूं माध्यम दसते ने प्रभु की प्राप्ति का। सो सूफी दे होर भी बड़े अर्थ ने, हिंदी दे विच पवित्र नूं कह दिता जाता है, जे इंग्लिश विच अर्थ करो तो प्योरिटी, जो विकारां तो रहत है, बड़ा पाक है, पवित्र है, जिहदे विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार है नहीं है। सूफी लफ्ज़ का जिहड़ा मूल है ना, वजूद है, अरबी भाषा का एक लफ्ज़ है सफा, ते सफा का मतलब हुंदा है जो पवित्र है, सफा तो कहिंदे सूफी बनिया है। कुछ बुद्धिजीवियां दी राय यह है सूफी शब्द सूफ तो बनिया है, सूफ उन्हें कहिंदे ने जिहड़े त्यागी संत हुंदे ने ना, वो पशमीने का कंबल उत्ते लै लैंदे ने, उन्हां दा बनिया कोई कंबल उत्ते लै लैंदे ने, सूफ दा चोला पहनदे ने, सो उन्हां नूं सूफी कहा जाण लगा। ये सूफ लफ्ज़ अरबी का है, उन्हां दे कपड़े नूं कंबल नूं कह दिता जाता है। ज़्यादातर ये काले रंग का हुंदा है जो साधु ओढ़दे ने। कुछ बुद्धिजीवी ये कहिंदे ने भी एक यूनानी भाषा का लफ्ज़ है सोफिस्ट, ये उस लफ्ज़ तो सूफी बनिया है। सो इउं वख वख रहा है शब्दियां, और एक खास विशेषता है ये धन नूं पैसे नूं प्रेम नहीं करनगे। ये कहिंदे असल दौलत अध्यात्म है, परमात्मा की प्राप्ति है। चार मुख संप्रदावां ने इन्हां दियां, यथामिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, इन्हां सूफियां चों एक सतपुरश होए ने, उन्हां दा नाम सी अबू यजीद अलबिस्तामी। वो किसी ने पूछया उस महापुरश नूं एडी उच्ची अवस्था किवें प्राप्त होई, परमात्मा ताईं किवें पहुंचे हो? कहिंदा मैं अहंग नूं छड्ड दित्ता भी मैं कुछ हाँ, ते जदों मैं मिट गई, अहंग मिट गया, जिवें सप्प केंचुली त्याग दिंदा है, जिवें कुंज लाउंदा है सप्प, जदों मैं ला दित्ती ते कहिंदा फिर मैं तूं हो गया, फिर मैं परमात्मा च अपेद हो गया, एकमिक हो गया। सुणन नूं बड़ा सौखा है मैं छड्डणी, पर सब तो कठिन है। परमेश्वर सब करन वाले ने, हर गल विच आपां मैं लै आउने, मैं करता, मैं करदा, मैं कमाउना, मैं भोगदा, तू कुछ भी नहीं है। आ जिहड़ी आवाज़ निकली है मैं दी, हुणे साह खिच लवे ते मिट्टी दा इक ढेर है तू, उहदे बख्शे सवासां तो बिना कोई कदर नहीं है तेरी। आ जिहड़े अज पिता जी माता जी कह के हत्थां च चुकी फिरदे ने, जदों परमात्मा साह खिच लवे ते सब तो पहला लांबू तेरे अपणियां तेनूं मड़ियां च लिजा के लाउणा, इन्नी कौकात है बंदे दी। सो जिन्हें मैं छड्डी वह परमात्मा च अपेद हो गया, अहंकार जिन्हें छड्डिया, बिनसे काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतरे पार। गुरु ग्रंथ साहिब भी ये समझाउंदे ने हंकार छड्डन वाला पार लगता है।
परमात्मा नूं प्राप्त हुंदा है। सो सूफी ओ जिन्हें अहंग छड्ड दिता, हंकार छड्ड दिता। एक दिल्ली दियां गलियां विच महापुरश नगन अवस्था विच फिरदा हुंदा सी औरंगजेब दे समय। सूफी संत सी, ना सी सरमद, यहूदी सी धर्म तो, ते सूफी मुसलमाना दी संगत करदा करदा सूफी हो गया सी, मुसलमान हो गया सी। एड़ा महापुरश सी, शरीर ते लिबास नहीं सी पहनदा, उदी सोच ऐसी सी, कहिंदा मिट्टी है ते मिट्टी नू की टकना है, मिट्टी दा की सवारना है, मन नू सवारांगे, कहिंदा उदी ए विचारधारा सी। दिल्ली दियां गलियां विच अठे पैर फिरदा ही रहना, ठंड है जां गर्मी है लिबास ना पाउणा, ते प्रेम दे गीत गाउंदे रहना परमात्मा दे। फारसी दा बड़ा वड्डा विद्वान सी, कवि सी, ये ते उहदे बोल सन, जदों दा परमात्मा दी गली विच तुरिया ना, अहं छड के उहदे गीत गाउण लगा हाँ, लोक मैनू कमला कहण लग पए ने। फारसी दे बोल ने, सरमद बागूचे इश्क, बदनाम शुदी अजदीने यहूद, सुए बा इस्लाम शुदी, मालुम ना शुद्ध ऐ खुदा वंद अहमद, बरगश्ता बसुए लशमनो राम शुदी। इहदे अर्थ समझियो, कहिंदे मैं खुदा दी बंदगी वाला हाँ, प्यार वाला हाँ, प्रेम दी गली चो लंघ के खुदा तक पहुँचिया हाँ, पर बदनाम हो गया। लोग कहिंदे ने सरमद कमला हो गया है, जिहड़े भगत ने ना लोगों नूं कमले लगदे ने, क्योंकि वह संसार नालों जुदा हो के निरंकार नाल जुड़े हुंदे ने। सानू संसारियां नूं संसार नाल जुड़े ही लोग चंगे लगते ने। भगतां की चाल निराली, चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। भगतां दी चाल साढ़े नूं वखरी है, असीं विकारां विच काम क्रोध विच चलते हैं, वह प्रेम विच परमेश्वर दे गीत गाउंदा चलता है। कमला पता क्यों कहा जाता रब नाल इश्क कमाउण वाले नूं? कहिंदे जिहड़ा आशक है ना रब नाल प्यार करन वाला, वह हिरदे तो बड़ा मासूम हुंदा है, बाल बुद्ध हुंदा है, भोला हुंदा है। बाल बुद्ध तो भाव अनजाण ना समझ लियो, कमला ना समझ लियो भी जिवें न्याणे दी बुद्धि नहीं है ते उहदी बुद्धि ना कम करे। बाल बुद्ध दा मतलब है जो बालक दी न्याई निर्मल है, जिस बुद्धि विच कोई मैली सोच नहीं, फुरना नहीं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नहीं ना हुंदा, बच्चियां विच बड़े निर्मल हुंदे ने। रब इदां दा निर्मल है, रब वर्गा जिहड़ा हो गया वह रब विच मिलेगा जो निर्मल हो गया। और पाक निर्मल होण लई प्रेम दी गली लंघना पैंदा है। बाबे धन्ना जी नूं पुछो भी रब किदां मिलिया है, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने धन्नै सेविया बाल बुद्ध, धन्नै धन पाया धरनी धर, मिल जन संत समानिया। धरनी धर नूं अकाल पुरख नूं धन्ने ने पाया बाल बुद्धि नाल, भाव निर्मल हो के विकारां तों जो रहत सुरत है, बुद्धि है। जिन्ना चिर मन अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे मैले फुरने ने, रब नहीं प्राप्त होवेगा। जो पाक हो गए उन्हां नूं अल्लाह पाक मिलदा है, परमेश्वर मिलदा है। ये गुरु नानक साहब परमात्मा दे सरगुण स्वरूप ने, आपां रोज बाणी विच पढ़दे हैं, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। खुद खुदा हुंदिया महाराज कहिंदे मैनू लोकां ने कहना है भूतना है, ये कमला है, ये बाल बुद्ध है। कोई आख है भूतना, कोका है बेताला, कोई आख है आदमी नानक बेचारा, ते कई इथों तक डिग पए साढ़े कई प्रचारक ने,
वो कह देंदे ने आम आदमी है गुरु नानक। महाराज कहिंदे इदां दे कमले उदों वी सी जिहड़े मेरी शख्सीयत नूं ना समझ सके, कहिंदे मामूली इंसान है गुरु नानक। वह मामूली नहीं है, गुरु नानक देव गोविंद रूप, गुरु नानक ही खुदाया है, गुरु हर कृष्ण ही परमेश्वर का अठवां जामा है, सरगुण स्वरूप है, गुरु नानक पहले जामे ने। महाराज तुहानू ये दीवाना क्यों कहिंदे ने, कमला क्यों कहिंदे ने? कहिंदे भया दीवाना साहा का नानक बौराना, हों हर बिन अवर ना जाना। कहिंदे मैं संसार नू मोह नहीं करदा, मैं अपने निर्गुण स्वरूप निरंकार नू मोह करदा हाँ, और मैं ओदा दीवाना हाँ, लोग मैनू बौरा कह देंदे ने। सो रब्बी इश्क करन वालियां नू लोकां बौरा किया, दुनिया विच जिन्ना संसार नाल इश्क कमाया उन्हां नू ही लोकां सूझवान समझिया। सरमद कहिंदे मैनू कमला किया लोकां ने, क्योंकि मैं प्रेम विच पिज्जा सां। अगे उन्हां दे बोल ने फारसी दे, अजदीने यहूद सुएबा इस्लाम शुदी। कहिंदे मैं यहूदी सी पर सूफी मुसलमाना दे प्रेम ने मैनू इस्लाम वल प्रेर दिता। मैं कहिंदे मुसलमान बन गया, मालूम ना शुद्ध ऐ खुदावंद अहमद बरगश्ता बसुए लक्ष्मण राम शुदी। पर मैनू ना मुसलमान बना के शरा विच अन्या नहीं आउण दिता, इन्ना कट्टण नहीं होया भी मैनू बाकी सब कीड़े मकौड़े दिखण। सांझी वालता दा ओ उपदेश दिंदे ने, ओ ताकीद करदे ने हर जरे च खुदाया है, नफरत किस नाल करनी है। जिथे रामचंद्र नूं गाया गया मैं उन्हां लोकां च वी बह गया, जिथे मुहम्मद दे गीत गाए गए मैं उन्हां विच वी बैठ गया। सो मैनू कहिंदे किसे नाल नफरत नहीं है, मतलब साफ है भी जिहड़े सूफी संत ने चाहे इस्लाम दे धारनी सन पर दूजे धर्मां प्रति उन्हां नफरत नहीं कीती, मैली भावना नहीं रखी। चाहे रामचंद्र ने, महावीर जी ने, महात्मा बुद्ध ने, गुरु नानक साहिब ने, सूफी संत सारिआं नाल प्रेम करदे ने, किसे नाल नफरत नहीं करदे। सिख जगत का सिद्धांत सानू यह सिख्या दिंदा है, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइया कोई अलाहे, कारण करण करीम कृपा धार रहीम, कोई राम आखे कोई खुदा के, नफरत का दी है। जिहड़ी मिट्टी का राम कहण वाला हिंदू बनया, उस मिट्टी का अल्लाह कहण वाला मुसलमान बनया है। कहते तीन लत्तां ते नहीं ना मुसलमान, जां चार अखां ने किसे हिंदू नूं, इत्थे कोई उच्चा नीवा नहीं, इक्के मिट्टी तो बने हो। कर्म चंगे करन वाला उच्चा है, मैली वाशना वाला नीवा है। चम करके धर्म करके ऊंच नीच नहीं है दुनिया च, जात करके ऊंच नीच नहीं मनी महाराज ने। महाराज फरीद जी कहिंदे ने देखो, मेरा लिबास कपड़े मेरे काले, मैं सूफी संत हाँ। कहिंदे मैं अंदरों भी काला हाँ, मेरे अंदर विकार बड़े ने। निम्रता दे पक्ष तो उन्हें समझाया है, सानू महाराज कहिंदे ने निर्माण होके रहो, आपस कहो जो जाने नीचा सऊ गनिया सब ते उच्चा। कहिंदे मेरे अंदर ते विकार बड़े ने, मेरे अंतशकरण दा जेड़ा भेख है ना वो काला है, काम क्रोध लोह मोह हंकार विच मैं डुब्या रहिंदा हाँ, विकारां विच मैं आखण लगे डुब्या रहिंदा हाँ। अगे उन्हां दे पाक बोल ने, गुण ही भरिया मैं फेरा, लोक कह दरवेश। गुण ही गुण है, परशियन दा फारसी दा लफ्ज़ है, गुनाह नू कहिंदे ने, अपराध नू पाप नू। अपराध शरीर दे तल ते हुंदा है, पाप मन दे तल ते। मन लो एक फुरना उठिया भी इस बंदे दा धन खोना है, इहदा हक मारना है,
ये पाप है, इनू अमली जामा शरीर ने पहना दिता, तू वाकया ही जाके हक मार लिया, शरीर के तलते वो अपराध हो गया। अपराध की सज़ा दुनियावी कोर्ट विच मिल जाती है, पर पाप ताई इस कटहरे की पहुँच नहीं है, पाप की सज़ा परमात्मा दिता है। सो बुरा सोचना गुना बाणी ने कहा है, जो फरीद जी महाराज कहिंदे ने, अंदरों मैं पाप नाल भरिया है, पर ये जेड़े लोग ने मैनू मेरा धार्मिक लिबास वेख के दरवेश कह रहे ने, मैनू महापुरश कह रहे ने, मैं तो विकारां विच फिर रहा हाँ। लफ्ज़ की वरत्या है, फिरा भाव फिरना, मुड़ मुड़ के दौड़ना, मैं तो विकारां च दौड़िया फिरदा है, जां इउं कह लो विकारी बंदा फिरदा है 84 लख जूना विच, उहनूं निजात नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, जो संसार दा मोह करदा है। दरवेश दा जिहड़ा अर्थ हुंदा है ना, फारसी दा लफ्ज़ है दर आवेज, दर कहिंदे ने दरवाजे नूं, आवेज कहिंदे ने दरवाजे पुर लटकिया रहण वाला। दरवेश हुंदा है वो फकीर संत जिहड़ा परमात्मा दे दरवाजे ते लटकिया रवे, भाव केवल परमात्मा दा पुजारी होवे, होर किधरे ना दौड़िया फिरे। करतार दे दर दा भगत सेवक, बाबा फरीद जी कहिंदे, लोग संत कहिंदे ने मैनू दरवेश कहिंदे ने मैनू, लिबास मेरा काला वेख के, सूफ पाई वेख के, पर कहिंदे सच्चाई ये है मैं जिन्ना मेरा लिबास काला है अंदरों उन्ना ही काला हाँ, उन्ने ही मेरे अंदर विकार ने। लोग भुलेखा खा जांदे ने लिबास वेख के, ये ना समझो भी महापुरश बाबा फरीद जी विकारी सन, नहीं, परमात्मा विच अभेद पुरश ने उन्हां बंदे दे अंदर दी हालत बयान कीती है, भी लोकां नूं भरमाउण लई धार्मिक पहरावा ते पा लिया, जिन्ना चिर अंदरों नहीं धार्मिक हुंदा उन्हां चिर परमात्मा दे दर ते प्रवान नहीं होना। लोकां दी कीड़ी गल है, लोक ते बगले नूं हंस समझ लैंदे ने, साखत नूं संत समझ लैंदे ने। सो दरवेश जिहड़ा है कोई विरला हुंदा है। बाणी कहिंदी छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पै खाक फकीर मुसाफिर, इहो दरवेश कबूल दरा। जिन्हें दुनिया के धंधे दिते छड, विकार दिते छड, और निर्माण इना होया लोकाई दे फकीरां दे महापुरशां दे चरणां दी खाक हो गया, धूड़ बन गया, ते कहिंदे ओ दरवेश अखवावेगा कबूल दरा, परमात्मा दे दर ते ओ कबूल है। सो लिबास दा मतलब ये नहीं हुंदा भी जिन्हें धार्मिक पालिया वह संत है, दरवेश है, जिहड़ा अंदरों विकारां तो रहत होया, पाक होया, बाल बुद्ध होया, ओ परमेश्वर विच अपेद होया, ओ संत है, ओ सच्चा सूफी है। अगे श्लोक विच बाबा फरीद जी हुक्म करदे ने, तत्ती तोए ना पलवै जे जल टुबी दे, तत्ती दा मतलब है तपत, तपदा सड़दा होया, तोए तो भाव हुंदा है पानी, संस्कृत विच कह दिंदे ने जल नूं, पलवै कहिंदे ने हरे भरे पत्तियां नूं, ते टुब्बी दा मतलब हुंदा है गोते देने, डबो देना। इस श्लोक दे विच बड़ी कमाल दी तशबीह दित्ती है बाबा फरीद जी ने, दृष्टांत दिता है, एक बड़ी महान मिसाल दिती है। जेड़ी जमीन सुकी होवे ना, सोका पिया होवे, जिथे बरखा ना होई होवे, जे मीह पै जावे, वर्खा हो जावे,
वो जमीन काबिले काश्त हो सकती है, हरी परी हो सकती है, उदे विच खेती होवेगी जिस जमीन नू औड़ लगी है। वर्खा होई ते हरी परी हो गई, खेती हो गई। पर आपां कई बार देखते हैं हरी भरी फसल सी, वर्खा ज़्यादा हुई, दरिया का पानी हड़ दे रूप में चढ़ के आ गया। जेड़े पानी ने खेती नू हरियां भरियां करना सी, वो जदों वेग नाल आया, ज़्यादा समा खेती विच खड़िया रहा, फसल उदे विच डुबी रही, ते कहिंदे ओ पानी दी मार नाल फसल सड़ गई। जिहड़े मंड दे इलाके दे लोक ने ना, दरिया दे इलाके, वो जानदे ने वी पानी नाल ही फसल हरी भरी हुंदी है, ते जे पानी वेग नाल आ जावे, हड़ दे रूप विच आ जावे, ते उजाड़दा वी पानी है। फिर कहिंदे पानी दी उजाड़ी खेती ठीक नहीं हो सकती। ये आपां सारे जानते हैं भी पानी जमीन नू जिंदगी दिंदा है, पर पानी जमीन नू मार भी दिंदा है, पानी विच मौत भी छुपी हुई है। तुसी रोज पढ़ते हो पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोए। महाराज कहिंदे ने सब तो प्रथम ये जेड़ा पानी है ना, जेदे राही सब सरसबज हुंदे ने, हरे भरे हुंदे ने, ये आप पानी जीव है, जिंदा है, लिविंग बींग विच आउंदा है, ये जिंदा है, ते तुसी इहनू पी के जिंदा रहिंदे हो। महाराज ने पानी नू जिंदा कहा है क्योंकि साडे जीवन का आधार है, उहदे विच वी बड़े बैक्टीरिया हुंदे ने। सो जीवन देण वाला है जेड़ा जल है, जिहदे नाल सब हरे भरे ने। पानी तो ही मनुख की पैदाइश हुई। रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार धरी, पिता दे पलीत कतरे तो पानी तो ही बंदा बनया, माँ की रक्त बिंद तो ही बंदा बनया, इंसान बनया, पैदाइश उतों है। तो जे सानू निर्मल जल छकण नू ना मिले तो फिर भी मौत आउंदी है। जीवन का आधार पानी है, चतो पैर साडे अंदर पानी रहिंदा है, जीवन देण वाला है पानी। पर जे हड़ दे रूप में आ जाए, शहरों के शहर पिंडां दे पिंड गर्क कर दिंदा है। पानी जगत का आधार है, जीवन है, ते पानी जगत की मौत का कारण भी बन जाता है, कितने तसामी बन के आ जाए। तो पानी नाल जमीन हरी भरी हुंदी है, पानी नाल जमीन उजड़ भी जाती है। और कई खेतियां आपां वेने आ जो पानी दिया मारियां ने, जिथे पानी सदा रहिंदा है, सेम रहिंदी है, उत्थे फसल कदे नहीं हुंदी। हुण ज्ञान जिंदगी दिंदा है, जीवन जाच आउंदी है, किवें मनुखे जामे नू सफलियां करना है, रोग सोग तो रहत रहना है। ते जे किते ज्ञान दा हंकार हो जावे, ते ए प्रचलित है हंकारिया सो मारिया। साधना सेवा भजन बंदगी करन नाल जीवन उच्चा सुचा हुंदा है। गुरु कर आया, गुरमत ते चलिया, जीवन बुलंद हो जाता है। पर गुरु घर आउण दा, साधना करन दा, सेवा करन दा, पाठ करन दा हंकार हो जावे, ते अध्यात्मक तौर ते मर जाता है बंदा, शुभ गुण उहदे नष्ट हो जाते ने। अनक तपस्या करे अहंकार, मैं तपस्या करदा, मेरे वर्गा किसी का चौंकड़ा नहीं, मेरे वर्गी किसी की इबादत नहीं, भगती नहीं। जे ये मैं आ गई, पुछो महाराज नूं मुक्ति मिलेगी? कहिंदे नहीं, नरक सुरग फिर अवतार, कदे नरक विच कदे स्वर्ग विच, कदे संसार दे कदे परलोक अंदर दौड़िया फिरेगा 84 लाख जूनां दे विच। यू शैल बी
और रीइनकारनेटेड वार वार जूना विच तू आवेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुकदी गल यह है भी जेड़े मन दे भांडे च अहंकार होवे उथे रब नहीं टिकदा। वाद अहंकार ना ही प्रभ मेला, मेल नहीं हुंदा रब दा जिन्हां दे अंदर अहंकार है। कौन प्रवान है? महाराज कहिंदे ने जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरै औरन लेत उधार। जेड़ा अहंकार नू लोभ मोह नू छड़दा है आप ते पार लंघेगा ही, मला दी न्याई बेड़ी विच संगियां साथियां नू भी संसार सागर तो पार लै जावेगा। सो हंकारी उथे प्रवान नहीं है। इत्थे सानू फरीद जी ने समझाया है भी जेड़ा मुरशद दी संगत विच, साधुआं दी संगत विच, जां सिख जगत वल उदाहरण लैके चलनी है ते गुरु दी संगत विच आ के हंकार करे ना सुधरे, उदे लई ए दृष्टांत वरत्या है भी ओ पानी दे नाल हड़ दे नाल सड़ी हुई फसल वर्गा है। ज्ञान दे नाल जीवन जाच सिखनी सी, असी हंकार लैके आ गए, सड़ी फसल वर्गे हो गए। हुण कहिंदे हड़ दी मारी फसल नू लख पानी च डबो दिओ, साफ सुथरा निर्मल जल चला दिओ, ते तुसी आखो भी पानी दी मारी फसल हरी हो जावे, कहिंदे नहीं होवेगा। जिन्ने साध संगत विच आके हंकार कीता, विकार ना छड्डे, ईरखा ना छड्डी, सड़ी खेती वर्गा है, उहदे ते बाणी दा शब्द दा भी असर नहीं आउणा। ओह हुण गुरमुख नहीं बन सकदा, ओह हरिया भरिया नहीं हो सकदा। उहनूं लख शास्त्र ज्ञान दा धार्मिक ग्रंथां दा पाणी पा के सिंच दो, टुबकियां लवा दो ज्ञान दे सागर विच उस दियां। जिहड़ा एक बार विगड़ गया कहिंदे फिर वह सुधरेगा नहीं। उहदी हालत ऐसी है, फरीद जी महाराज कहिंदे ने फरीदा जो दोहागण रब दी चूरेंदी चूरे। दोहागण क्या है? दोहागण नू द्रुपगा बुरे भागा वाली, जेदा खसम छड दवे, जिनू खसम की प्राप्ति ना होवे। अगे लफ्ज़ है रब, ये अरबी का लफ्ज़ है, प्रितपालक नू कहिंदे ने, वाहिगुरु नू आपां पंजाबी च बड़ा वरतदे हैं रब लफ्ज़। चूरेंदी झूरन तो भाव हुंदा है दुख का गिला करते रहना, भी मेरे जीवन च सुख नहीं है, दुख ही दुख है, इं तपते रहना, डिप्रैशन विच रहना, चिंता विच रहना। ते सुहागण की हुंदी है? जो गुरां दा उपदेश लैके गुरु दे हुकम विच जग्यासु रूप इस्त्री चली, गुरु दे बचन विच चले, नाम दी कमाई कीती और इन्नी कमाई कीती, इन्ने गुणा दे सहत हो गई भी परमात्मा खसम दे तौर ते मिल पिया। उस सुहागण नू संत जन भगत गुरमुख कह दिता जांदा है। ते दुहागण ओ है जिन्हें गुरां दा उपदेश ते लै लिया पर कमाई ना कीती, गुरु दे हुकम विच ना चली, वह छुट्टड़ हो गई, उन्हूं परमात्मा खसम दे तौर ते ना मिलिया, उन्हूं मनमुख कह देंदे ने, साकत कह देंदे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने महल ना ही दुहागणी अंत गई पछताए। जिहड़ी दुहागण है सत संतोख दया धर्म वर्गे महान गुण उहदे कोल नहीं, इस करके परमात्मा रूपी महल नहीं मिलेगा उसनू, पछताउंदी झूरदी दुनिया तो मिट जाएगी। वह परमात्मा किसनू मिलिया? कहिंदे सब राती सुहागणी मैं दुहागण काई रात जियो, जिन्हें परमात्मा दे गीत गाए और अवस्था रूपी जेदी हर रात सफली हो गई।
क्योंकि उन्हूं हर समय परमात्मा नाल भोग करन दा मौका बन गया, भाव परमात्मा अंतशकरण अंदर उन्हूं प्राप्त हो गया, अंग संग रहिंदा है परमात्मा उहदे, ते दुहागण दी कोई रात सफली नहीं। खसम छड गया, अकाल पुरख छड गया। सो फरीद जी महाराज कहिंदे ने, हंकारी बंदा सड़ी हुई फसल वर्गा, उस दुहागण वर्गा जिहनूं खसम ना मिलिया, परमेश्वर ना मिलिया, जो गुणा दे सहित हरिया भरिया ना हो सकिया। सो अगे महाराज फरीद जी हुक्म करदे ने, जा कुवारी ता चाओ विवाही ता मामले। कुवारी दे मतलब कई ने, अनव्याही लड़की नूं कुवारी कह दिंदे आ, कुमारी नूं भी कुवारी कह दिता जांदा जिहदी 5-6 साल उम्र होवे, छोटी लड़की। कुमार अवस्था जवानी तो थोड़ी जी हटवीं है, पिछे है, उस अवस्था नूं भी कह दिता जांदा है। चाओ दा मतलब है उत्साह, आनंद दी लहर। विवाह दा जिहड़ा भाव हुंदा है ना, वे वह लै जाण दी किरिया, भाव इस्त्री नूं उहदे पिता दे घरों लै जाणा, विआह के मामले लफ्ज़ वरत्या है, फारसी दा लफ्ज़ है मुआमलह, उहदे तों मामला लफ्ज़ बन जांदा है, अमल विच लिआंदा होया जां काम काज। जीवन दीआं गुंझलां नूं वी मामला कह दित्ता जांदा है। जीवन दरमियान जिहड़े धंधे असीं करदे हैं, जिहड़े दुख असीं सहारदे हैं, उहनां नूं वी मामले कह दित्ता जांदा है। फरीद जी महाराज कहिंदे ने, जदों ते सी कुवारी, लड़की नूं कोई फिक्र फाका नहीं सी पेकियां दे घर, जदों व्याही गई ते मामले पै गए, काम कार सहुरे घर करना पै गया। जिहनूं चा बड़ा सी ना भी खसम मैनूं वर लवे, सुहागण बन जावां, जदों मामले पै गए, काम कार पै गए, गृहस्थ दा जंजाल पै गया, ते हुण फिर रब अगे अरदासां करदी है भी कितें कुवारी रह जांदी ते चंगा सी। महाराज कहिंदे नहीं, समां लंघिया हथ नहीं आवेगा। इहदा इक होर भाव है समझियो, जीव रूप इस्त्री जिहड़ी कुवारी है, भाव ये जिहदा हजे जीवन हरिया भरिया है, जिद्दण काल ने व्याही, जिद्दण जमराज लाड़ा बन के आ गया, जदों मौत सिर ते आई, लावां होण लगियां, भावे दा खुरा खोज मिटण लग्या, जदों परलोक रूपी सहुरे घर नूं चलना पिया, उदों उस समय फिर लोड़दी है भी कुआरी रह जावां, भाव मौत ना आवे मैनूं। फरीद जी कहिंदे नहीं, समां लंघ गया है, अजाई गवालिया पेके तू सौं के जीवन, गुण कोई सुखिया ही नहीं है, ये सहुरे घर परलोक किदां वसेंगी, सत संतोख दया धर्म तेरे च गुण ही कोई नहीं है, तैनू फिर 84 लख जून अंदर दुनिया ते आउणा पैणा है, कई जन्म पए कीट पतंगा, उहदे दर ते नहीं तू प्रवान होना, क्योंकि उत्थे गुण बड़े महान चाहीदे ने वसण दे लई। पाक बोल ने फरीद जी दे, फरीदा एहो पछोताओ वत कुवारी ना थीऐ। महाराज ये भी पक्ष रखते ने, कहिंदे देखो पहला तो इहनू ना गुरु रूपी खसम नाल मिलन दा चा सी, ते गुरु पातशाह मिले, उपदेश दे दिता, ते हुण मन दे विच चत्तो पहरे लगा रहिंदा है भी ये गुरु दी ते मर्यादा बड़ी कठिन है, किवें अमृत वेले उठा, किवें रब दे गीत गावां। हुण पछताप करदी है भी वैराग वाली अवस्था ही चंगी सी, ये मर्यादा ही बड़ी कठिन है, सिद्धांत ही सिखी दा बड़ा औखा है। हुण सोचदी है कुवारी हो जावां, कहिंदे हुण सिख जगत विच आगाज़ होया है, हुण पिछे मुड़ के नहीं वेख्या जाणा,
रब दे गीत गा ते जीवन सफला कर। सो इउं बेअंत अर्थ निकलते ने इन्हां पाक अल्फाज़ां दे, पर कहिंदे जिहड़ा समा लंघ जांदा है हथ नहीं आउंदा। मनुखा जामा रूपी कुआरापन निकल गया, मौत सिर ते खलोती है वरन दे लई, हुण मुड़िया नहीं जा सकेगा। अगे फरीद जी महाराज कहिंदे ने, कलर केरी छपड़ी आए ओ लथे हंज। कलर लफ्ज रे वाली जमीन लई आउंदा है, जिथे शोरा हुंदा है, धरती का मुड़का भी कह दिंदे ने, एसिड जिहा हुंदा है, ये सत्ता खत्म कर दिंदा धरती की, फसल नहीं होण दिंदा। वैसे पथरीली जमीन नूं भी कलर वाली जमीन कह दिंदे ने, जिथे फसल ना होवे। केरी जिहड़ा लफ्ज है इहदा मतलब है दी, केरा कहिंदे ने दा नूं, उहदा स्त्री लिंग हो गया केरी। छपड़ी कच्चे टोभे नूं कहा है, कच्ची तलावड़ी नूं, छोटा जिहा जिहड़ा छप्पड़ हुंदा है। कलर दी जिहड़ी छपड़ी है ना, जिथे खारा पानी है, एसिडिक पानी है, उत्थे कई बार हंस उडारी ला के आ जांदा है। हंज हंस नूं कहिंदे ने। वैसे बगला भी वेखण नूं इहदे वर्गा हुंदा, पर पक्ष वखरा है। इह हंस जिहड़ा है ना, बतक दी किस्म दा ही इक पंछी है, पर इहदी गर्दन लम्मी हुंदी है, चुंझ लम्मी हुंदी है। और कविजन कहिंदे ने इहदी चुंझ विच खटास है, दुध ते पानी रलिया होवे, इह स्पर्श कर दवे, दुध वख ते पानी वख हो जांदा है। और कविजना दी इह भी उडारी है भी इहदी ऐसी भी नसल है जो बड़ा शुद्ध भोजन छकदी है, भाव मोती आदिक खांदी है, गंदा मंदा भोजन नहीं करता है। दूसरा पक्ष इहदे नालों कुछ वखरा जिहड़ा बगला हुंदा है, जो गंदगी खांदा है, गंदगी विच लिबड़िया रहिंदा है, वो मनमुख नूं कहा है, हंस गुरमुख नूं कहा है। फरीद जी कहिंदे ने, चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज। चिंजू चुंझ नूं कहा है। बोड़न दा मतलब हुंदा है डोबना। कहिंदे इह क्यों नहीं समझदे भी हंस ने कलर दी छपड़ी च चुंझ पाई, पर ओ बड़ा उतावला है, उनू पानी खारा लगा, मैला लगा, वो उड़ना चाहुंदा है, पाक जल दे सरोवर ते पहुंचना चाहुंदा है, जेड़ा जल वो छक सके। हुण मन लो किसे गृहस्थी दे घर कोई महापुरश आ गया, ये पक्ष समझियो, जिमें हंस ने छपड़ी दे पानी नूं खारा समझ के त्याग दिता, साफ जल छकण लई उतावला सी, उड के मान सरोवर जां किसे साफ जल दे सोमे ते गया, जाके जल छकिया आनंद लिया। इदां ही जदों आम लोकां दे घरीं कोई महापुरश आ जांदे ने, उह उड्डण लई काले हुंदे ने, उहदा कारण इह है भी लोग ज़्यादातर जिहड़े ने कलर दी छपड़ी वर्गे ने, जिन्हां दे अंदर विकारां दा मैला जाल है, ते जेड़े महापुरश ने ना वो बड़े उतावले हुंदे ने भी ये मनमुखा दे घर कित्थों आ गया मैं, वो गां तुर जांदे ने। एक होर पक्ष है इत्थे, कलर उन्हां नूं कहा जेड़े एक अकाल पुरख की आराधना नूं छड के द्वैश विच पए भूतां प्रेतां नूं मूरतां नूं पूजदे ने, तत्व की प्राप्ति वाले महात्मा जे अणजाणे विच उन्हां दी संगत बह जाण ते जल्दी उठ के तुर पैंदे ने, साडा काम नहीं, इह करित नाल जुड़े ने, असीं करते दे अकाल पुरख दे पुजारी हाँ। कुसंगियां मनमुखां सागतां दी संगत विच किते महापुरश आ जाण, उह उडारी मार जांदे ने किथे, मान सरोवर रूपी सत संगत अंदर, जिथे रब दे गीत गाए जांदे ने। ते जिवें हंस पानी विच दुध विच चुंझ पा के नखेड़ा कर दिंदा है ना, जिहड़े उच्ची बुद्धि दे मालक महापुरश हुंदे ने, चुंझ रूपी उन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है, जदों उह घर दे विच आ के वेंदी है, नखेड़ा कर लैंदे ने, उह भी इन्हां दी जिहड़ी भावना है मलीन है जां साफ है, ये आत्मरसी ने जां विशे आनंद भोगण वाले ने। जे विशे आनंद रूपी कलर वर्गे लोग होए तो संत छड के संगत विच चले जांदे ने, वो विचार करन दे योग हुंदे ने, कबीर
साकत सांगना कीजिए दूर है जाइए भाग बासन कारो परसिए तो कश लागे दाग। अखीरला अर्थ है संसार विकारां दी छपड़ी है ते संत जेड़े महापुरुष ने इस संसार नू छड़न लई उतावले हुंदे ने पाक सरोवर निरंकार कोल पहुंचना चाहुंदे ने वो ए गल कहिंदे ने बहुर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म है बुझ सुमावेंगे काल पुरख दे हुक्म विच संसार ते आए विकारां तो महाराज बच के तेरे चरणा च वापस सचखंड पधार जाइए उन्हां दी ऐसी सोच है। पुल चुक दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।